राम राम। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए हमने अपने कबूतरों को खोला है। आज मौसम बहुत ही ख़राब है, हम लोग उड़ाए भी हैं कबूतर कुछ। एक ये दिख रहा है और भी ऊपर होंगे कबूतर, आप लोगों को दिख रहे होंगे। बहुत ही मौसम ख़राब है दोस्तों, फिर भी हम कबूतर उड़ाते हैं और आनंद लिया जाता है। सुबह सुबह कबूतरों का शौक किया जाता है और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये लोग कबूतर उड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये पांच पांच हैं, आठ कबूतर उड़ाए थे, ये पांच एक जगह हो गए। मलवई कबूतर हैं और एक देखिए ये सहारनपुरी क्रॉस कबूतर आके अभी अभी बैठा है। ये इसका हम लोगों ने पर कैच किया है, फिर भी उड़ जाता है। बदमाश किस्म का है ये कबूतर। और ये देखिए हमारे कबूतर उड़ रहे हैं, करीब डेढ़ दो घंटे हो ही गए, मौसम ख़राब है। और इसमें ये कबूतर सब उड़ने वाले दोस्तों कबूतर हैं, एक भी मैं गदा नहीं रखता हूँ। ये देखिए सब बेहतरीन बेहतरीन मद्रासी हैं, मलवई हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एक मेरा कबूतर का बच्चा इसी सहारनपुरी से क्रॉस किया था, जो ये ऊपर है, वो रात रह गया उधर ही, कल शाम को उड़ा था। ये उड़ रहे हैं अभी, वो जीरो कली का पट्टा है तो आ नहीं रहा है। ये पंजाबी कबूतरी है, अभी ये पट्टी है, ये दो कली की हो गई, ये थोड़ा कम उड़ रही है। पंजाबी कबूतरों को जीरो कली से ही उड़ाना चाहिए दोस्तों, नए खिलाड़ियों को, पुराने तो भाई सब जानते हैं, हम खुद ही नए हैं अभी। लेकिन हमने अभी साल दो साल से पंजाबियों का शौक किया, पहले मैं भी देसी कबूतर ही रखता था, इन लोगों का हटने का डर कम रहता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये उड़ रहे हैं, ये लोग आसमान में बंद नहीं होते हैं। और ये लोग में हमने कबूतर को किया रहा, सबसे बदमाश कबूतर किसमें है और सबसे बेहतरीन नस्ल का ये कबूतर है पंजाबी, चला गया बाहर। कुछ बच्चे हैं, एक ये रही पंजाबी कबूतरी, यहाँ एक अंडे पर बैठी है। आज सोचा कि सुबह सुबह ये वीडियो बना दूं। आप लोगों को ये मेरे कबूतर कैसे लगे दोस्तों, आप भी कमेंट में बताइएगा। आइए दोस्तों, आज हम आपको एंटिक आईज जो कहते हैं उसका आँख का कबूतर दिखाते हैं। लाल रंग पे है इसकी आँख, ऐसे मेरे पास चार कबूतर निकले हैं लाल आँख का, अभी तो ये बच्चा है। ये रही इसकी आँख, पीली नहीं होगी इसकी आँख। और ये इसके पंजे, ये पट्टियों पे उड़ने वाला कबूतर है,
एकदम चींची करता हुआ बच्चा है, और आप लोगों को मैं पकड़ के ऐसे ही कबूतरों का शौक कराता हूँ। ये मेरे मद्रासियों में से निकले हैं, तीन चार झोल के बाद ये अच्छे बच्चे निकलना चालू हो गए ऐसे, जिसको एंटी काइज बोलते हैं, तो और कबूतरों का शौक कराते हैं। एक ये रहा बच्चा, इसकी उड़ान बहुत ही बेहतरीन है, इसको हम लोग उड़ाए हैं, बहुत ही खूबसूरत उड़ता है, पकड़ने नहीं दे रहा है। ये देखिए इसकी आँख, इधर की भी वैसी ही उन लाल आँखों में है। ये मद्रासी कबूतर हैं, लेकिन उड़ते बहुत बढ़िया हैं। हमारे घर पे बहुत ही पकड़ने ही नहीं दे रहा है एकदम दोस्तों। ये देखिए ये पामोज में है, भाग ही जाएगा कभी, पकड़े नहीं है ना, कबूतर को हाथ से नहीं लगाते हैं। और इसके ये पर दो दो कली का है, सॉरी तीन कली का है, ये बहुत ही सुंदर उड़ान है इसकी। ये मेरे घर के मद्रासी कबूतर हैं, अब पीली आँख के नहीं, ऐसी आँख के लाल आँख के अब हो रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं। और एक है उसका भी शौक, एक ये रहा, इसकी तो आँख और भी खतरनाक लाल है, उड़ान भी बहुत ही बेहतरीन है। पाँच छः घंटा के करीब इनको उड़ाया हूँ मैं, पाँच घंटा से छः घंटा तक उड़े दोनों भाई एक ही साथ के हैं। और ये इनके पल्ले हैं, बता रहा है शिवम कि 7:30 पे उड़ाए थे, 12:50 पे ये उतरे कबूतर। ये मेरे मद्रासियों के घर की ब्रीड है, जो कि मोहम्मदाबाद कौशर भैया के यहाँ से इसके माँ बाप आए थे। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब ये भी मेरे कहने से कबूतर रखिए, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार हैं, छोटे छोटे वजूद और बदन के हैं ये मद्रासी। कह रहे थे कि एक भी कटेंगे नहीं और बहुत बढ़िया भी उड़ेंगे। तो और पीली आँख में है कबूतर, और एक और बच्चा निकला है, उसको दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। एक ये है जो पहले दिखाया था, उसी के टाइप का है ये, ये भी आँख साफ कर रहा है, इसका तो और भी अलग आँख हो रही है, बिल्कुल ही अलग कालेपन पे। और ये रेसरों रेसर कबूतर की तरह नीचे इसका सफ़ेद है, जैसे कि रेसर कबूतर में होता है वैसे ही लग रहा है इसका सफ़ेद नीचे। और ये आँख इसका और भी, ये पता नहीं कौन खानदान पे चला गया, लगता है कि असला रेसर कबूतर है, उन लोगों का भी ये सफ़ेद होता है नीचे दोस्तों। इसकी गर्दन भी छोटी है, इसके पर भी बहुत ख़तरनाक है, पता नहीं कई नस्लों के पीछे गया होगा, पकड़ने ही नहीं देते हैं हमारे कबूतर। ये लीजिए चेक करें आप इसके पल्ले का, सेम लगता है कि साला रेसर कबूतर है, बाज के जैसे है इसका पर, थोड़ा सा भी गैप नहीं है इस साइड का, बहुत ही खूबसूरत उड़ता है। और ये बंद हड्डी का है, बिल्कुल भी गैप नहीं है। ये रहा मेरा कबूतर। तो मद्रासे हमारे पास है दोस्तों 9-10 के करीब, और एक दो जगह दे दिया ब्रीड बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में, एक दो छत पे लोग आए तो मैं दे देता हूँ। तो अभी बताइएगा कि हमारे कबूतर कैसे लगे, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।